एटीएन सिटी न्यूज, साहस सच दिखाने के। जगदीशपुर स्थित टाउन हॉल परिसर में महागठबंधन की बैठक की गई। आयोजित बैठक में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसकी अध्यक्षता मालेपुर विधायक चंद्रदीप सिंह और संचालक प्रखंड अध्यक्ष भोला खान ने किया। बैठक की शुरुआत वक्ताओं द्वारा की गई। बारी बारी से सभी वक्ताओं ने तेजस्वी यादव के अगले राज्य के सीएम और राम बिशुन लोहिया को पुनः विधायक बनाने की बात कही। इसके पश्चात अंतिम वक्ता के रूप में महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी राम बिशुन लोहिया संबोधित कर रहे थे। संबोधन से पहले मंच पर उपस्थित नेताओं एवं प्रत्याशियों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस सम्मान को पाकर विधायक गदगद दिखे। इसके बाद उन्होंने संबोधन का शुरू किया। श्री लोहिया ने कहा कि मैंने 5 सालों में विकास किया है। जिस गांव में सड़क नहीं था, उस गांव में सड़क बनाने का काम किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं दोबारा चुनाव जीत गया तो सबसे पहले वीर कुंवर सिंह के नाम से मेडिकल कॉलेज खुलाने का काम करूंगा। वहीं पूर्व मंत्री पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि हम जमात की बात करते हैं, जात की बात नहीं करते। कुशवाहा गांव में केवल सड़क बनाए हैं, हम पूरे विधानसभा में काम किए हैं। श्री लोहिया ने कहा कि उनके हमारे छवि में आसमान जमीन का फर्क है। बताया कि मैं किससे लड़ाई नहीं, हम चुनाव जीत रहे हैं। आपको मालूम है कि आरा से लेकर भगवान तक तो रेलवे लाइन लालू जी के रीजन में पास हुआ है, लेकिन ये सरकार नहीं अभी कर रही है। और हमारे लालू जी के ही सरकार में आपने भी कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी देखा, सेंट्रल स्कूल देखा, ये रेलवे जो लाइन निकला जो आरा से सासाराम तक, ये सारा काम हमारे लालू जी के सरकार में हुई है। नीतीश कुमार के सरकार में भोजपुर जिला में एक भी काम नहीं हुआ। तेजस्वी बोले कि युवा के 10 लाख रोजगार देंगे सरकार। मैं तो भी हमारे प्रतिपक्ष नेता भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने कहे हैं कि हमारी पहली कैबिनेट में 10,000 रोजगार लोगों को रोजगार देने की स्वीकृति दी जाएगी, 10 लाख। रोड मैप क्या है, रोड मैप देखिए। तो मैं अभी भी कहता हूँ कि हमारे 10 लाख की जब सरकार योजना स्वीकृति देगी तो 5,000 मैं अपने जगदीशपुर निर्वाचन क्षेत्र के युवकों को नौकरी दिलाऊंगा। हर गांव में बिजली दिया, उनके जैसा कुशवाहा के गिने चुने गांव में रोड नहीं दिया। और वे विकास की बात हमसे तुलना करते हैं। राम बिशुन सिंह लोहिया अगर जीत के जाते हैं तो 5 बड़ी काम क्या रहेगी हमारे? आपको बताया कि पहला रहेगा वीर कुंवर सिंह के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाना, और वीर कुंवर सिंह के नाम से स्टेडियम और नायका टोला पर बनाना, डॉक्टर लोहिया जी के नाम से यहाँ महिला कॉलेज बनाएंगे, और कर्पूरी जी के नाम से यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे। आपके रीजन में जगदीशपुर में 3 दिवसीय महोत्सव हुआ था, ये मेरा दिन। अगर बनते हैं तो यह परमानेंट हो जाएगा क्या? ये परमानेंट हो ही जाएगा। हमने 30/1/16 को हमारे मुख्यमंत्री जी समय हम लोग सरकार में थे, आए थे, उस समय हमने कहा था कि हमारे वीर कुंवर सिंह का विजय महोत्सव दिन में लालू जी के सरकार में मनाया गया था 2 बरस। नीतीश कुमार जी ने उस समय कहा अपने प्रधान सचिव को कि अगर लालू जी की सरकार में अगर 2 वर्ष 3 दिवसीय विजय उत्सव मनाया गया होगा, राम विष्णु सिंह हम भी सरकार से इसकी मंजूरी दे देंगे, और हमारे ही पहल पर उन्होंने मंजूरी दिया और ये अस्थायी रहेगा। जगदीशपुर को जिला बनाने की मांग बहुत दिनों से की जा रही है, अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या जिला बनाया जा सकता है? तो आपने छोटी सी बात पूछ दिया, ये हमारे समझ से भी है कि जगदीशपुर को जिला महागठबंधन के सभी साथी कार्यकर्ता आए हुए हैं अपने चुनाव की रणनीति पंचायत स्तर और बूथ स्तर पर कार्यक्रम होगा, इसलिए हमारे सारी साथियों हमारे के साथी कांग्रेस के साथी और राजस्थानी हमारे उपस्थित हैं। हम लोगों के आज यही विचार विमर्श हो रहा है, कल से हम लोगों ने अपने पंचायत वाइज बैठक करें और पंचायत बूथ वाइज हम लोग बैठक करके अपना चुनाव की तैयारी करें। सर किसे प्रतिद्वंदी मानते हैं चुनाव में? प्रतिद्वंदी हम किसी को नहीं मानते हैं, प्रतिद्वंदी कोई नहीं मिला है। जितने के बाद वीर कुंवर सिंह किला की सूरत बदलेंगे क्या? वीर कुंवर सिंह के धरती पर तो मैंने पहले कहा है कि 2020 के विजय प्राप्त होगा तो मैंने पहले वीर कुंवर सिंह के नाम से मैं मेडिकल कॉलेज यहाँ बनवाएंगे। जो मेडिकल कॉलेज हमारे लालू जी के जब हम लोग सरकार में थे उस समय लालू जी ने मेडिकल कॉलेज दिए थे, लेकिन
हमारे कुछ नेतागण लोग यहाँ नहीं चाह करके चाहते हैं कि आरा में बने, जिसकी लड़ाई हमारी आज 2 साल से चल रही है और मेरी सरकार बनेगी। वीर बाबू कुंवर सिंह के नाम से मेडिकल कॉलेज जगदीशपुर के 15 किलोमीटर के रेडियस में ही बनेगा। पूर्व मंत्री आपको विकास विरोधी बोले? पूर्व मंत्री की विकास विरोधी कर रहे हैं, वो कौन विकास किए हैं उनके चरित्र में और हमारे चरित्र की तुलना कर दी आपने। हम विकास जो हमने किया है 5 साल में, मैं सबके लिए विकास किया हूँ। हमारे रीजन में, हमारे समय में कोई किसी जात पात की कोई